नवंबर का महीना आज खत्म हो जाएगा और इसी के साथ मौसम में भी आपको बदलाव नजर आएगा। देश भर में ठंड बढ़ने लगी है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में ठंडी हवाएं और हल्की बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक देखें तो आज पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। सबसे पहले बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में सर्दियों का एहसास होने लगा है। सुबह के वक्त लोगों को ठंड महसूस हो रही है। सर्दियों के एहसास के बीच दिल्ली में मौसम विभाग ने बारिश की बात कही है। बारिश के चलते तापमान में कमी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली के कई इलाकों में बादलों का डेरा रहेगा और हल्की बारिश की भी उम्मीद है। आज न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। वहीं दिसंबर महीने की शुरुआत में 2 से 3 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसमें तेज ठंड लग सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखी जा रही है और यूपी में भी तेजी से मौसम बदलने लगा है। प्रदेश में अब पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से अचानक मौसम में बदलाव नजर आएगा। लखनऊ में गुरुवार सुबह बारिश हुई तो पश्चिमी विक्षोभ के असर से 24 घंटे में मुजफ्फरनगर, संभल, बिजनौर में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। तो वहीं कई राज्यों में तूफान के बाद से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई जिलों में तूफान बिजली गिरने के साथ साथ भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की है। इस वजह से प्रदेश के 4 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश से पानी घुटनों तक आ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर निचला दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में यहां चक्रवाती तूफान आने की संभावना है और अगले 5 दिनों में आंध्र प्रदेश, केरल, पुदुचेरी जैसे इलाकों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। तो वहीं बात करें बाकी राज्यों की, तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है, जबकि यूपी, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बारिश की आशंका है। वहीं गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और इसके अलावा पंजाब में तेज ठंड देखने को मिल सकती है। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की उम्मीद है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।